अभी आप नमन से मिल रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में नमन के गौरवशाली पिता नरेश कुमार जी जैनसा भी मौजूद हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरे सिलसिले परिवार की ओर से, आपके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। आप तिजारा में ही जैन मंदिर के पास एक दुकान चलाते हैं, एक दुकानदार का बेटा बहुत बड़ी आई टीम में बहुत अच्छी ब्रांच में जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं बेटे की इस उपलब्धि पर? बहुत बढ़िया सर, सबसे बड़ा इसका योगदान अपने सीएलसी के जो बॉस हैं श्रवण कुमार जी को देता हूँ। कैलवर जब सेमिनार हुई थी, मैं सेमिनार में गया था, तो उसके अंदर बेटे की रैंक करीबन 28वीं रैंक आई थी सेमिनार के अंदर, तो बॉस ने जो पूरा सॉल्यूशन बताया बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब बेटे का रिजल्ट आया 90+ नंबर था 10th में, तो मैंने अपने स्तर पर कहा मैं बेटा कोई बात नहीं, सीएलसी तो दूर पड़ेगी, मैंने रिवाड़ी एडमिशन करवाया। इसके बाद मेरे एक फ्रेंड था राजेश जैन, उसने मुझे 2 महीने बाद बोला यार तूने बहुत बड़ी गलती करी। अब ये क्या करी तूने, बेटे को तूने 2 साल पीछे कर दिया। ऐसा कैसे, बेटे को बाहर निकालना है। उसने मुझे सीएलसी के बारे में बताया था, उसके परिवार के बच्चे पहले पढ़ते थे कि सीएलसी बेटर है, सीएलसी का मेरा लगन पहले भी थी। तो मैंने बेटे को आके रात को कहा बेटा ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि तुमने गलती करी, तो उसी सेकंड डे स्कूल नहीं गया। बेटा स्कूल क्यों नहीं गया? पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। इस बात ही अपने स्तर पर खैरतल भी गया था, एक खैरतल के बाद ये अलवर आया, मुझे बोला पापा मेरे साथ अलवर चलो। मैं और मेरा भतीजा दोनों को लेकर आए। इसने करीबन 1.5 महीने तक सीएलसी की जो अपनी ब्रांच अलवर में है वहाँ पर इसने पढ़ाई करी। पर सीएलसी में सर क्या हुआ, अलवर में ना इसने चीज अनुभव करी कि जो बच्चे थे, कुछ बच्चों के अंदर स्थिति एक थी परिवार का पैसा बिगाड़ना। उसने मेरे से कहने लगे पापा बच्चे हैं ना जो पैसा तो खर्च कर रहे हैं, बाकी पढ़ने की इच्छुक कम है, हर बच्चे का अपना अपना होता है। मैं बेटा तेरा मन पता क्या है, ये सब घर पर आया रात को 9 बजे और मेरे से कहने लगा पापा एक प्रॉमिस करो कि मना नहीं करूंगा। बेटा ऐसा क्या प्रॉमिस है, पहला प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस तो बता रहा पापा मुझे कल सीकर जाना है। मैं बेटा कल सीकर जाना है, अभी तोलर पड़ रहा है, मैं तो सब काम अंकल से बात करी आया, चौधरी जी साहब जो बैठते हैं अलवर, मुझे पूरे फार्मूला तैयार करवा लिया। और सेकंड डे मेरी तबीयत खराब होगी सोचकर मैंने एकदम बच्चों को छोड़ूंगा तो मुझे बहुत महसूस हुआ, रात रात में मेरी तबीयत खराब होगी, खड़ा होने लायक नहीं थी। तो मेरे भतीजे ने पूरा सपोर्ट किया इसको, बोला पापा की तबीयत खराब है मैं तेरे साथ छोड़ूंगा। फर्स्ट राउंड पे शुभम जैन है मेरा भतीजा, उसको लेकर आया। और लेने के बाद जब इसने पढ़ाई के बारे में बताया इतना मन गदगद हुआ। सेकंड राउंड जब बच्चे के साथ में आया तो मैंने एक ही बात की, रस्ते में जब निकल रहे थे तिजारा से आ रहे थे तो और बच्चों के फोटो लग रहे थे, तो मैंने बेटे को एक बात की बेटा जो फोटो आज यहाँ लगा हुआ है मैं 2 साल बाद तेरा फोटो देखना चाहता हूँ। तो बेटे ने मुझे आश्वासन दिया पापा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये फोटो 2 साल बाद मेरे फोटो आपको लगा मिलेगा। और आज सीएलसी परिवार की तरफ से और सबसे बड़ा इसमें सहयोग दिया साहिल भैया का। जब बेटे का नंबर जयपुर आया तो मैं उस टाइम यहीं पे था, मेरे से कहने लगा पापा मेरा जयपुर नंबर आया, बेटा कोई बात नहीं घबराने की कोई बात नहीं, तेरा जयपुर नंबर तो जयपुर आ जाना, मैं जयपुर आ जाऊंगा पेपर दिवा दूंगा। और तुरंत साहिल भैया का मेरे घर फोन आया कि जैसे बच्चा आपके पास नहीं, बच्चा मेरे पास है, तो अपने स्तर बच्चे को लेकर आऊंगा। मैं सबसे बड़ा बात ये बताना चाह रहा हूँ कि सीएलसी में जो बच्चे को प्यार मिला उसकी मैं कुछ कहने के मतलब लायक नहीं हूँ कि क्या कहूँ सीएलसी के बारे में। जो प्यार मिला घर से ऐसा प्यार मिला, और सबसे बड़ा प्यार बॉस का मिला, साहिल भैया का मिला, और सोडा जी की पीजी में 2 साल रहा, सोडा जी के भी बेटे वाला प्यार मिला। उन्होंने मुझे एक ही बात कहा सोडा जी ने कि जैन साहब आप बच्चों को छोड़ के जा रहे हो ये समझो कि आप माँ बाप आप नहीं, मैं हूँ ऐसे माँ बाप। आज उनका अपना सपना पूरा किया और सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीएलसी परिवार पे भरोसा किया और सीएलसी परिवार आपके भरोसे पर खरा उतरा। और जिंदगी में किसी संस्था का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो वह यही है कि वो अपने विद्यार्थियों और अभिभावकों के भरोसे पर कायम रहे, उनके भरोसे पर खरा उतराए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।